गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे वी विल स्टार्ट रिविजन फॉर पिटी वन. सो आवर सिलेबस फॉर पिटी वन इज चैप्टर 4, 5 and 6. ओके सो टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 35. सो चैप्टर 4. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. ओके सो वी विल डिस्कस अगेन इन बैक एक्सरसाइज एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. ओके सो फर्स्ट इज a dash particle of a substance show all the property of a substance. यानी किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं. अगर अलग अलग तोड़ भी दिए जाएँ, उसको ब्रेक कर दिए जाए, तो भी उसकी प्रॉपर्टीज शो करेंगे. देन नेक्स्ट देर आर 3 बेसिक स्टेट ऑफ मैटर. हाउ मैनी बेसिक स्टेट ऑफ मैटर? सो देर आर 3 बेसिक स्टेट ऑफ मैटर. फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड गैस. सो द नेक्स्ट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड. यानी जो पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से टाइटली जॉइंट रहते हैं. सो इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है. सो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड फाउंड इन सॉलिड पार्टिकल्स. ओके देन नेक्स्ट इन गैस देर आर लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स. जो गैस फॉर्म में जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें वो अपना लार्ज स्पेस को कवर करके रखते हैं. ओके देर आर लार्ज स्पेस बिटवीन इन गैस देर आर लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स. यानी जो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं टू पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, इन्हें इजीली मूवमेंट कर सकते हैं. ओके देन नेक्स्ट लिक्विड ऑक्यूपाई द शेप ऑफ कंटेनर दे आर पोर्ड इनटू. यानी लिक्विड जो है उस वो जिस भी कंटेनर में आप डालोगे, यानी जिस भी बर्तन में डालोगे आप, उसी का शेप ले लेता है. जैसे सपोज दैट वाटर इज लिक्विड एंड वाटर इज लिक्विड. वाटर को अगर आपने बाउल में डाला तो बाउल का शेप ले लेगा, ग्लास में डाला तो ग्लास का ले लेगा, एक प्लेट में डाला तो प्लेट का लेगा, बकेट में डाला तो बकेट का लेगा, टब में डाल दिया तो टब का शेप ले लेगा. तो देयर आर नो फिक्स्ड शेप, उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है. देन नेक्स्ट आ जाइए 40 पेज पे, ओपन पेज नंबर 40. फर्स्ट द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन लिक्विड इज नोन एज. यानी वो सब्सटेंस जो कि लिक्विड में डिजॉल्व होता है उसको सॉल्यूट कहा जाता है. सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एंड मेक अ सॉल्यूशन. ओके देन नेक्स्ट पार्टिकल इन अ गैस मूव एट अ ग्रेट स्पीड इन ऑल डायरेक्शन. यानी गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट कर लेते हैं और चारों दिशा में, यानी पूरे ऑल डायरेक्शन में ग्रेट स्पीड से मूवमेंट करते हैं. देन अ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होती है? इज़ यूजुअली रिवर्सिबल. फिजिकल चेंज में वापस वो अपने फॉर्म में आ सकता है. रिवर्सिबल मीन्स वापस वो अपने फॉर्म में आ सकता है. ओके एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमिसिबल लिक्विड. इमिसिबल लिक्विड क्या होता है? केरोसिन इज इमिसिबल लिक्विड बिकॉज केरोसिन इज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. सो केरोसिन इज इमिसिबल लिक्विड. एंड विच स्टेट ऑफ मैटर हैज फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप. यानी किस स्टेट ऑफ मैटर का फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता है? सो लिक्विड हैज फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप. ओके एंड फिजिकल चेंज मेज द फॉलोइंग में फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज मीन्स टेम्पररी चेंज. फिजिकल चेंज होता है वो टेम्पररी चेंज होता है. सॉलिड, सॉलिड का एग्जाम्पल है वुड, प्लास, ग्लास एंड प्लास्टिक्स. केमिकल चेंज का केमिकल चेंज अटैच विद जॉइन विद परमानेंट चेंज. एंड लिक्विड जॉइन विद वाटर, मिल्क एंड केरोसिन. गैसेस का एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल ऑफ गैसेस आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्वीट टी. स्वीट टी मीन्स शुगर इन अ सॉल्यूट. सॉल्यूट में उसमें स्वीट टी में जो सॉल्यूट होता है वो शुगर होता है. ओके देन नेक्स्ट ट्रू फॉल्स. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द 3 स्टेट ऑफ मैटर. यस दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. एंड सेकेंड गैसेस हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. गैस का फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है क्या? नहीं. दिस इज
फॉल्स स्टेटमेंट. सेकेंड, चॉक पाउडर फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन विद वाटर. चॉक को अगर किसी वाटर, चॉक को वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो एक सॉल्यूशन बनाएगा क्या? नहीं, चॉक जो है वो ऊपर ऊपर फ्लोट करता रहेगा. सो चॉक पाउडर नॉट फॉर्म अ सॉल्यूशन विद वाटर. एंड सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. फोर्थ है, इन अ शुगर वाटर सॉल्यूशन, शुगर इज अ सॉल्वेंट. शुगर सॉल्वेंट है? नो, शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट. देन नेक्स्ट, वाटर इवोपरेटिंग टू मेक क्लाउड्स इज अ फिजिकल चेंज. यानी वाटर जो इवोपरेट होते हैं और क्लाउड्स बनाते हैं वो एक फिजिकल चेंज है क्या? नहीं, सॉरी, राइट, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. एंड राइपनिंग ऑफ अ मैंगो इज अ फिजिकल चेंज. यानी मैंगो का पकना, राइपनिंग यानी पकना, मैंगो का पकना एक फिजिकल चेंज है क्या? नहीं, ये फिजिकल चेंज नहीं है क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है. यानी कच्चे आम से वापस पक जाता है, अगर एक बार पका आम पक जाता है आम, तो वो वापस कच्चे आम में कन्वर्ट नहीं होता है. सो इट इज़ नॉट रिवर्सिबल चेंजेस. सो इट इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज. सो राइपनिंग ऑफ मैंगो इज़ अ केमिकल चेंज. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5, रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक्स एंड मिनरल, पेज नंबर ओपन, पेज नंबर 48. अ मिनरल फाउंड इन प्यूमाइस इज, यानी ऐसा मिनरल बताइए जो कि प्यूमाइस में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? जिरकन. जिरकन इज अ मिनरल दैट फाउंड इन प्यूमाइस. ओके, एंड नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक फ्रॉम व्हेन मैग्मा कूल डाउन वेरी क्विकली और रीचिंग अर्थ सरफेस. जब मैग्मा तुरंत ठंडी होती है और अर्थ सरफेस पे पहुंच जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक. देन नेक्स्ट, मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंटरी रॉक लाइम स्टोन. यानी मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है जिससे, जो कि सेडिमेंटरी रॉक लाइम स्टोन से बनता है. कोल इज यूज्ड फॉर, कोल का इसके लिए यूज़ होता है, कुकिंग के लिए भी यूज़ होता है, हीटिंग के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी. सो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर. एंड लास्ट, रॉक आर मेडअप ऑफ, रॉक कैसे बना होता है? रॉक आर मेडअप ऑफ मिनरल्स से बना होता है. ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट आर रॉक मेडअप ऑफ. सो रॉक आर मेडअप ऑफ मिनरल्स. ओके, देन नेक्स्ट, रॉक दैट फॉर्म, चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, रॉक दैट फॉर्म व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक. देन नेक्स्ट, चॉक सैंडस्टोन एंड लाइम स्टोन आर द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. एंड नेक्स्ट, ग्रेनाइट बेसाल्ट एंड प्यूमाइस आर द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक. एंड फ्यूल वी यूज इन आवर व्हील आर नॉन मेटेलिक इन नेचर. एंड नेक्स्ट है मेज द कॉलम में फर्स्ट है कॉन्ग्लोमिरेट अटैच विथ सेडिमेंट्री रॉक. एंड नेक्स्ट, प्यूमाइस इज अटैच विथ इग्नियस रॉक. एंड कोल अटैच विथ एंथ्रासाइट्स. एंड मार्बल अटैच विथ मेटामॉर्फिक रॉक. एंड पेट्रोलियम अटैच विथ रॉक ऑयल. ओके, देन नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस में व्हेन मैग्मा इरप्ट द अर्थ सरफेस वी कॉल इट. जब मैग्मा जो है वो अर्थ सरफेस तक चली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? लावा. रॉक आर मेडअप ऑफ, रॉक कैसे बना होता है? मिनरल्स से बना होता है. रॉक आर मेडअप ऑफ मिनरल्स. थर्ड, व्हेन मैग्मा कूल डाउन स्लोली इट बिकम, यानी जब धीरे धीरे ठंडी होती है मैग्मा तो उसको क्या बोलते हैं? इट बिकम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. एंड व्हेन मैग्मा कूल डाउन क्विकली, जब तुरंत ठंडी होती है मैग्मा तो उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. एंड स्लेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक शेल से स्लेट का फॉर्मेशन होता है. द सन विंड एंड वाटर आर, सन विंड और वाटर क्या है? इनएग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, एंड ब्रीफ क्वेश्चन, लर्न इट एंड वर्ड बैंक. द नेक्स्ट चैप्टर इज सॉइल. सो टेक आउट, ओपन पेज नंबर 55. फर्स्ट इज
अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ विच प्लांट ग्रो इज कॉल्ड सॉइल. ओके सो अपर व्हाट इज सॉइल. सो अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल विच प्लांट ग्रो, यानी जहाँ पर प्लांट ग्रो होते हैं. देन नेक्स्ट मेड ऑफ डिकेड रिमेन एंड डेड प्लांट एंड एनिमल्स. सो एनिमल्स और प्लांट्स के डेड एंड डिकेड पार्ट से क्या बनता है, ह्यूमस बनता है. सो ह्यूमस इज करेक्ट आंसर. थर्ड द प्रोसेस बाय विच रॉक ब्रेक डाउन टू फॉर्म सॉइल, यानी रॉक से सॉइल बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, सॉइल फॉर्मेशन या वेदरिंग. ओके देन नेक्स्ट द वेयरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल, यानी टॉप सॉइल का हटना उस जगह से, उसको उस प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहा जाता है. ओके देन नेक्स्ट पेज नंबर 57. फर्स्ट चूज द करेक्ट, फर्स्ट इज द फिलिंग ब्लैंक इज द लेयर ऑफ सॉइल वेयर प्लांट ग्रो, यानी वो लेयर जहाँ पर प्लांट ग्रो करती है उस लेयर को टॉप सॉइल कहा जाता है. विच लेयर ऑफ सॉइल लाइज अबोव ब्रोकन रॉक्स बेड रॉक. थर्ड इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन सॉइल आर दैट, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं सॉइल में वो काई के बने होते हैं, क्ले के बने होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन किसके द्वारा नहीं होता है, अफॉरेस्टेशन के द्वारा, बिकॉज अफॉरेस्टेशन इज प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, तो उसके द्वारा उसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होता है. देन नेक्स्ट टेरेस फार्मिंग इज डन इन, टेरेस फार्मिंग कहाँ होती है, टेरेस फार्मिंग डन इन हिली एरियाज, जहाँ पर हिली एरियाज होते हैं, जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर टेरेस फार्मिंग की प्रोसेस होती है. ओके नेक्स्ट है फिलप्स ह्यूमस इज फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेड प्लांट एंड एनिमल, यानी प्लांट और एनिमल्स के डेड और डिकेड मटेरियल से ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट है सॉइल इज मेटअप ऑफ थ्री लेयर, सॉइल थ्री लेयर्स में बटी रहती है, टॉप सॉइल सब सॉइल एंड बेड रॉक. एंड थर्ड है प्लांटिंग फॉरेस्ट इज कॉल्ड, यानी प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री आर कॉल्ड एफोरेस्टेशन, एंड टेरेस फार्मिंग आर ग्रोइंग क्रॉप कवर क्रॉप प्रिवेंट, यानी कवर क्रॉप और टेरेस फार्मिंग से क्या प्रिवेंट करते हैं, क्या रोका जाता है, सॉइल इरोजन को रोका जाता है. देन नेक्स्ट रनिंग वाटर एंड विंड कॉज, रनिंग वाटर और विंड से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है. ओके सो ब्रीफ क्वेश्चंस लर्न इट एंड बैक एक्सरसाइज वर्ड बैंक एंड रीड वन और टू टाइम एवरी चैप्टर. ओके एंड मिड क्वेश्चन भी फाइंड आउट कीजिएगा. ओके फाइंड आउट द मिड क्वेश्चन ऑल्सो. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर PT 1. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.